हेलो दोस्तों, हम लोग का पॉलिटी में द यूनियन एग्जीक्यूटिव चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ लिया है, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पढ़ लिया है, और द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लिया है, और अभी हम लोग ने रिसेंटली कौन सा पिछले में पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट का पढ़ा था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो किस में आता है। वो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट फाइव में, पार्ट फाइव का जो चैप्टर वन है, चैप्टर वन है। और ये आर्टिकल अगर बोला जाए तो 52 से 78 तक इस आर्टिकल के अंतर्गत द यूनियन एग्जीक्यूटिव आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फाइव के चैप्टर वन और आर्टिकल 52 से 78 तक ये आता है। तो ठीक है, तो आज जो हमने टॉपिक रखा है वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को रखा है। ठीक है, तो उसे भी वन लाइनर टाइप रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संविधान के किस अनुच्छेद में ये बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, अभी मैंने बताया द यूनियन एग्जीक्यूटिव कहाँ से कहाँ तक, 52 से 78 तक है, तो यहीं से स्टार्ट ही होता है 52 से। तो संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला गया कि आर्टिकल 53 का जो फर्स्ट पार्ट है वो किससे संबंधित है। तो देखिए, आर्टिकल 53 का फर्स्ट पार्ट ये बोलता है कि जो राष्ट्रपति है उसके अंदर क्या, संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति है, तो संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति तो होती है राष्ट्रपति पे निहित होती है। अब वो चाहे इसका प्रयोग संविधान जो है वो स्वयं करे या अपने द्वारा अपने अधीनस्थ जो पदाधिकारी है उनके द्वारा करवाए। तो मैंने क्या बोला, इसमें आर्टिकल 53 का फर्स्ट क्या बोलता है कि जो संघीय कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति है, या ऐसे बोले भारत में संघीय कार्यपालिका का जो प्रधान है वो कौन है, राष्ट्रपति है। ये हम लोग को पता, और हम लोग ने ये भी दिया कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, तो जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का प्रधान होता है। अगर वास्तविक शक्ति बोली जाए तो मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है, प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था कि 53 का वन किससे संबंधित है। तो मैंने क्या बोला है कि 53 बोलता है कि जो संघ की सभी कार्यपालिका शक्ति होती है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है, पालिका शक्ति किस पे निहित होती है, राष्ट्रपति पे निहित होती है। अगर वास्तविक बोले तब मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री, जो भी ऑप्शंस में दिया हुआ आप लिखोगे, राष्ट्रपति में नहीं। अब इसका जो उपयोग है वो कैसे करे, या तो खुद करे या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से वो करता है। ठीक है, तो इतना इसमें बोला गया है। तो नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्र अध्यक्ष के समान होती है। भारत की जो संवैधानिक स्थिति है वो किस देश के राष्ट्र अध्यक्ष के समान होती है, तो ब्रिटेन के राष्ट्र अध्यक्ष के समान होती है। जो ब्रिटेन का सम्राट जिस तरीके होता है उसी तरीके भारत का राष्ट्रपति होता है। वही चीज, क्योंकि हम लोग ने जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया वो कहाँ से अपनाया, अगर क्वेश्चन मिले संसदीय शासन प्रणाली को कहाँ से अपनाया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। तो जिस तरीके यहाँ जो राष्ट्रपति होता है उसकी शक्ति नाममात्र की होती है, उसी तरह वहां पे ब्रिटिश सम्राट की भी शक्ति नाममात्र की होती है। और जो वास्तविक शक्ति किसके हाथों में होती है, प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। तो क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति जो भारत का है किसके, कहां के राष्ट्राध्यक्ष के समान है, तो ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के समान है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो इसका तो हम लोगों ने जो उपराष्ट्रपति का पढ़ा था उसमें भी डिस्कस कर लिया था। तो पहली बात, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 54 में आता है। ठीक है, निर्वाचक मंडल की, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो बात करी गई आर्टिकल 54 में करी गई है। अब इसमें आता कौन कौन, जो दोनों सदन है मतलब संसद के दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, इसके जो निर्वाचित सदस्यों की, ध्यान रखिए मनोनीत सदस्य की बात नहीं कर रही, केवल निर्वाचित सदस्यों की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा इसके जो निर्वाचित सदस्य वो होंगे, और राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो होंगे। लेकिन ध्यान रहे दिल्ली और पौंडिचेरी भी इसमें शामिल है। दिल्ली और पौंडिचेरी सहित सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मीन्स होते निर्वाचित सदस्य हैं। यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के, संसद के दोनों सदन जो हैं उसके निर्वाचित सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य क्वेश्चन काफी उठता है। और अगर विधानसभा की, तो राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य, लेकिन ध्यान रखिए कि दिल्ली और पांडिचेरी को भी लेके, संघ शासित प्रदेश जो है, दिल्ली और पांडिचेरी सहित सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली और पांडिचेरी सहित किसका किसका बोल रहे हैं, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते, लेकिन उसमें दिल्ली और जो संघ शासित प्रदेश,
पुडुचेरी भी शामिल है। तो आप क्या बोलोगे, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे और दिल्ली और पांडिचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ये अलग से पूछा भी जा सकता है, संघ शासित प्रदेश दे दे और इसमें बोल दे कि इसमें से कौन से जो होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दिल्ली और पांडिचेरी भी शामिल है, यहाँ की जो विधानसभा के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसे शामिल कब किया गया दिल्ली और पांडिचेरी वाले को, तो दिल्ली और पांडिचेरी के राज्य की विधानसभाओं को जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था वो था हमारा 70वां संविधान संशोधन, कौन सा था, 17th नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान संशोधन 1992। तो अगर क्वेश्चन ये बने कि दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, तो 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शामिल किया गया था। तो इसमें देखिए कितने क्वेश्चन बने, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल में आता, तो 54। निर्वाचक मंडल की बात करी तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो और दिल्ली और पांडिचेरी सहित राज्य की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य होंगे। ये ध्यान रखिए इसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते, विधान परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि आर्टिकल 55 किससे संबंधित है, तो देखिए आर्टिकल 55 जो है पहली बात तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, तो उसका जो रीति है उससे संबंधित है। तो इसका आंसर तो हुआ हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मतलब मैनर जो है उसका, उससे संबंधित है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट इसका आंसर हो गया, आप थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखिए हमें पता है जो राष्ट्रपति उसका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 55 पे तो डायरेक्ट आपका ये हो गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी हुई है, अब इसको डिस्क्राइब करके पूरा आपको जानना भी जरूरी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है। आर्टिकल 55 ये भी बोलता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, कैसे बोला है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, मतलब कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसका प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा होता है, पद्धति के द्वारा के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, और कैसा मत कैसा होगा, एकल संक्रमणी मत प्रणाली होगी। तो मैंने क्या बोला है, जो राष्ट्रपति का आर्टिकल 55 ये बोलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा होगा, और जिसका निर्वाचन होता है वो गुप्त होता है। अब यहाँ पे दो एक हुआ अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति ये, और एकल संक्रमण मत प्रणाली ये होता क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए हमें अभी बताया कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं ये शामिल होते हैं। तो यही चीज है कि जो इसमें होता है क्या है, जो सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य होता है, सभी राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके मत मूल्यों का जो योग होता है वो क्या होता है, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों के मत मूल के योग के समतुल्य होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है। जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उनका जो मत मूल्य होगा वो किसके अनुपात में होगा, जो हमारा यहाँ पे विधानसभा है और उसके जो राज्यों के निर्वाचित सदस्य होंगे तो उनमें जो होता है एक प्रोपोर्शनल होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। अब यहाँ पे एकल संक्रमणी मत प्रणाली क्या होती है, तो देखिए जो मतदाता होते हैं तो प्रत्येक मतदाता उतने ही मत जो होता है वरीयता क्रम से देता है जितने प्रत्याशी होते हैं, मतलब एक प्रेफरेंस होता है, जैसे कि मान लीजिए चार उनको एक वरीयता देगा ए बी सी डी, तो जो प्रत्येक मतदाता उतने ही मत वरीयता क्रम से देता है जितने प्रत्याशी होते हैं, जो प्रेफरेंस होता है, ठीक है। तो इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करिए, आपको इतना पता होना चाहिए एकल संक्रमणी मत प्रणाली एक वरीयता क्रम होती है, प्रेफरेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए ए बी सी डी चार है, तो उसमें आप किसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना चाहते, किसको सेकंड में, किसको थर्ड में, किसको फोर्थ में, तो उसमें जिसका कम होता है वो हट जाता है, फिर दोबारा फिर से जो कम वाले का होता है उसके मत की गणना कराई जाती है, अगर पहले में जो न्यूनतम कोटा है वो प्राप्त नहीं होता। तो फिलहाल अभी न्यूनतम कोटा के बारे में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य कैसे ज्ञात करते, एक मिनट से हम ड्राफ्ट कर दें पहले। देखिए क्या इसमें
किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्यों का मत मूल्य जो होता है वो बराबर होता है राज्य की जो कुल जनसंख्या होती है, राज्य की कुल जनसंख्या को डिवाइड कर देते हम लोग विधानसभा विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से और जो आता है उसे फिर से 1000 से भाग कर दिया जाता है। तो किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्यों का जो मत मूल्य होता है वो राज्य की जितनी भी जनसंख्या होती है उसको विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग कर देते हैं और जितना भी आता है उसे फिर से 1000 से भाग कर देते हैं। अब यहाँ पे आया राज्य की कुल जनसंख्या, तो राज्य की कुल जनसंख्या से तात्पर्य यहाँ की अभी जनसंख्या से नहीं है। इसमें क्या होता है, देखिए हमारा जो संविधान संशोधन 84 था उसमें ये बोला गया था कि जब तक 2026 के पश्चात जो जनगणना होगी, 2025 के पश्चात, कब तक का मैंने बोला कि पहले तो कौन सा अमेंडमेंट हुआ, 84th अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, तो उसमें ये बोला गया 2026 कब का बोला गया है, 2026 के पश्चात उसके बाद होने वाली जो प्रथम जनगणना के आंकड़े जब तक नहीं दे दिए जाते तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो राज्यों की जनसंख्या वो 1971 की जनगणना द्वारा ही अभिनिश्चित करी जाएगी, ये सेंटेंस बोला गया था। अभी जो है वो कब तक के लिए, 1971 की बात करें, अभी जो जनसंख्या की बात करी जा रही है राज्य की कुल जनसंख्या वो 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग इसकी बात करी जा रही है, ठीक है। तो अगर ये बोला जाए कि कौन सा आर्टिकल था, तो आर्टिकल कौन सा था, कौन सा संशोधन था, 84, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है वो कौन सा संशोधन था जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि जब तक कि 2026 के बाद के वाली जो जनगणना है, 2026 के बाद जो प्रथम जनगणना होगी उसमें ये आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, मतलब जनसंख्या के लिए, तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित करी जाएगी, वही माना जाएगा। तो मैं एक बार फिर से बोले 84 जो अमेंडमेंट हुआ था, 84 अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, वो ये भी संविधान रखिए 2001 में हुआ था, ठीक है। तो इस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि जब तक 2026 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए संख्या 1971 की जनगणना द्वारा ही अभिनिश्चित करी जाएगी, वही माना जाएगा, ओके। तो इतना था हमारा, और इसका जो था ये तो मैंने बता ही दिया, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि संसद के एक सदस्य का मतमूल, अभी वहां पे किसका था, विधानसभा के एक सदस्यों का बोला गया, यहाँ पे संसद के एक सदस्यों का मतमूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो संसद के एक सदस्य का मतमूल जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतमूल्यों का योग होता है, हम लोग संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग कर देते हैं। तो इसको मैंने क्या बोला, जो किसके बराबर होता है, संसद के एक सदस्य के सदस्यों का मत मूल्य बराबर होता है सभी राज्यों के विधानसभा के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों का योग के मत मूल्यों का योग किससे भाग कर देते हैं उसको, क्योंकि वहां पे देखिए प्रोपोर्शन की बात ही करी गई थी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, देखिए दोनों में कंफ्यूज मत होइए, वहां पर जब विधानसभा था तो राज्य की कुल जनसंख्या वो उसको विधानसभा के जो कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी उससे भाग किया गया था, 1000 से फिर से भाग कर दिया गया था, और यहाँ पे क्या है, राज्यों की जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों का योग है उसे किससे प्रोपोर्शनल करते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया, राष्ट्रपति के पद पे चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, कुल वैध मतों के आधे से एक मत अधिक, मतलब जो न्यूनतम कोटा होता है राष्ट्रपति के पद पे चुने जाने के लिए तो वो कितना होता है, तो वो बोला है कि जितने भी वैध मत पड़ते हैं उनके आधे से एक मत अधिक। तो आप इसको फॉर्मूला अगर दे सकते हो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जो न्यूनतम कोटा होता है, न्यूनतम कोटा होता है वो किसके बराबर होता है, कुल पड़े वैध मत
और आधा बोला गया तो अपॉन टू और उससे एक अधिक तो प्लस वन, मतलब दो से भाग कर देंगे और जितना आएगा उसमें प्लस वन, इतना न्यूनतम कोटा हमारा जो न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता वही बनता, ठीक है। अगर नहीं प्राप्त कर पाता फर्स्ट उसमें तो फिर दोबारा से फिर से किया जाता है, तो जिसको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है इसका। तो चलिए इतना ही रखते हैं क्योंकि काफी बड़ा हो रहा है और राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो काफी बड़ा है, तो वो एक में तो नहीं हो पाएगा, तो आगे के जो पार्ट है नेक्स्ट पे कर देंगे।